हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। उसके लिए सामान चाहिए: कुक्ड राइस, कैबेज, ग्रीन पी, ओनियन, चिल्ली पाउडर, ग्रीन चिल्ली, सॉल्ट, टर्मरिक, कैरेट, काजू, फ्रेंच बीन्स, और यह है फ्राइड राइस मसाला, यानी फ्राइड राइस मसाला विच इज अवेलेबल इन शॉप, यू कैन टेक। और लास्ट में तेल। शुरू करते हैं वेज फ्राइड राइस। पैन को थोड़ा गर्म करने देते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम अभी 2 चम्मच तेल डाल देंगे। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, जिसको जो पसंद है वो ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम अभी डाल देंगे हरी मिर्च, फिर ओनियन डाल देंगे, कटे हुए ओनियन। अब हम फ्राइड राइस बनाते हैं। ये जो चावल होता है उसे हम 70% कुक कर देना चाहिए, 30% छोड़ दीजिए। प्याज हमारा लगभग फ्राई हो चुका है, उसमें हम कैबेज डाल देंगे, फिर ग्रीन पी डाल देंगे, फ्रेंच बीन्स डाल देंगे, गाजर डाल देंगे। देख सकते हैं अभी ये बहुत कलरफुल दिख रहा है। और आप लोगों को पता है, जब हमें खाना सुंदर ना दिखे तो हम लगते हैं ये अच्छा नहीं बना होगा, इसलिए हमें अट्रैक्टिव भी थोड़ा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। गैस को सिम कर लें और उसे पकने दें। हमारा वेजिटेबल्स अभी पक गया है, इसमें हम अभी फ्राइड राइस मसाला डाल देंगे। जब फ्राइड राइस मसाला डालते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल, फिर मसाला थोड़ी देर फ्राई होने के बाद उसमें हम चावल डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी तरह से उसे मिक्स करने के बाद उसे 5 मिनट तक पकने दें। देखिए, अब हमारा वेज फ्राइड राइस तैयार हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं।